हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो रैंक पुशिंग का पार्ट 4। अगर आपने पहले 3 पार्ट इसके नहीं देखे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और मैं 2 वीडियोस की लिंक एड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम ट्रिक नंबर 1 से। इसको करने के लिए आपका नाम मोथ हाउस पे, यहाँ पे पर्गेटरी मैप में, फिर आपको यहाँ पे इस तरह से प्रोन करके बैठना है, फिर अपनी जॉयस्टिक को इस तरह से पकड़ के रखना है, फिर यहाँ पे जल्दी से गेम को मिनिमाइज करना है और आपको कम से कम 6 सेकंड तक यहाँ पर अपनी गेम को मिनिमाइज रखना है और 6 सेकंड के बाद आपको सिंपली अपनी गेम को खोल देना है। फिर आप यहाँ पे इस तरह से पानी में चल सकते हो और हो सकता है कि आपको यहाँ पर 4-5 बार ट्राई करना पड़े, फिर ही आपकी ये ट्रिक वर्क कर पाएगी। बाकी मेरी तो 1 बार में हो गई थी। हो सकता है कि आपको यहाँ पर 4-5 बार ट्राई करना पड़े, पर आपको 2-4 बार ट्राई करना है, ये ट्रिक ईजिली यहाँ पर हो जाती है। और फिर आप यहाँ पे इस तरह से सेंटर में बैठ सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली इस तरह से क्राउच करके बैठना है और फिर आपको किसी भी साइड से कोई भी नहीं देख पाएगा। आप इजीली यहाँ पर अपनी रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और अंदर बैठ के आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाहर बैठे एनिमी पे फायर नहीं करना है। अगर आपने फायर किया तो यहाँ पर फेक डैमेज आएगा और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर एलिमिनेट हो जाओ, मतलब फायर करने पर आप यहाँ पर एलिमिनेट भी हो सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एनिमी बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। और अंदर बैठ के आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाहर बैठे एनिमी पे फायर नहीं करना है। और इस ट्रिक को करते समय आपको जंप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने जंप किया तो आपकी ट्रिक वहीं पर एंड हो जाएगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे ही जंप किया मेरी ट्रिक वहीं पर एंड हो गई और अभी मैं यहाँ पर स्विम करने लग गया। तो जंप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है यहाँ पर नुरेक डैम में, बरमुडा मास्टर मैप में। तो यहाँ पर आपको आना है इस साइड में। आप लोकेशन अच्छे से देख ही सकते हैं मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अभी आपको सिंपली यहाँ पर अंदर जाना है, फिर यहाँ पे इस तरह से जंप करना है। आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी साइड में जंप कर सकते हो, लेफ्ट राइट आगे पीछे। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से जंप करके ऊपर आ जाना है। और अभी आप यहाँ पे ऐसे से हाइड वगैरह हो चुके हो और आप यहाँ पर बैठ कर अपनी रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर रोटेट करोगे, फिर आपको बाहर का भी अच्छे से यहाँ पर व्यू मिल जाएगा। मतलब बाहर से आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर एनिमी कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। और अगर यहाँ पे एनिमी आता भी है तो वो आपको यहाँ पर ज़्यादातर नोटिस नहीं कर पाएगा। और अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप इजीली यहाँ पर एनिमी को भी किल कर सकते हो। और आपको यहाँ पर हाइट का भी एडवांटेज मिलेगा, तो आप इजीली एनिमी को जो है खोपड़े तोड़ सकते हो सुसरे का। और यहाँ पर और भी 2 डब्बे ऐसे मिलते हैं जैसे कि आप सामने देख ही सकते हो। इन 2 डब्बों के पास भी आप सेम ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है, ना कोई ग्लोअल चाहिए ना कुछ, और 1 सेकंड में ये ट्रिक हो जाती है। मतलब अगर आपके पीछे एनिमी पड़ा है फिर भी आप इजीली इस ट्रिक को 1 सेकंड में कर सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए एक जीप। आपको किसी भी चढ़ाई के पास इस तरह से आ जाना है। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस ब्रिज के पास, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जीप को चलाना है थोड़ा सा फास्ट, और फिर आपको यहाँ पर जीप से उतरना है। और यहाँ पर चढ़ाई है इसलिए यहाँ पर जीप जो है खुद ही इस तरह से धीरे धीरे चल रही है। और अगर आप थोड़ा सा आगे जीप लाओगे फिर आपकी ये ट्रिक जल्दी से हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे गेट आउट करोगे फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसके सामने बैठना है, फिर यहाँ पर फिस्ट का यूज़ करना है और जॉयस्टिक बिल्कुल भी मत पकड़ना, आपको सिर्फ फिस्ट का यूज़ करना है। और अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि हम यहाँ पर नेट ऑफ करके भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। मतलब नेट ऑफ करने के टाइम पे यहाँ पे कोई आ सकता है, आपको किल कर सकता है। और आपको पता होगा जब भी हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं फिर यहाँ पर हम एनिमी को किल नहीं कर पाते, ना ही कोई गाड़ी वगैरह फोड़ पाते हैं। और आपको पता ही होगा अगर हम ट्राई भी करते हैं फिर वहाँ पर हम सीधा एलिमिनेट हो जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो आप इस ट्रिक को सोलो में कर सकते हो, यहाँ पर आप एनिमी को भी इजीली किल कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर खड़ा होना है, फिर इजीली यहाँ पर एनिमी को भी किल कर सकते हो। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर गाड़ी को भी जला दिया, मतलब इसको डैमेज भी पड़ा और मैं यहाँ पर एलिमिनेट भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको खड़ा होना है, फिर यहाँ पर एनिमी को इजीली किल कर सकते हो। फिर आपको फिर से नीचे बैठ जाना है, एनिमी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर किल नहीं कर पाएगा। मतलब इजीली आप एनिमी को भी किल कर सकते हो और वो आपको कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और क्या आपने कभी ये ट्रिक इससे पहले देखी थी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर लंबरगिनी की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी और की कार के साथ भी इस ट्रिक को कर सकते हैं। आपको सिंपली पानी में इस तरीके से गाड़ी को ले जाना है, फिर यहाँ पे ड्राइव करके मतलब गेट आउट करना है, फिर यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर अच्छे से पानी में हाइड हो जाओगे। आपको बिल्कुल भी बाहर से कोई भी नहीं देख सकता। आप इसलिए यहाँ पर बैठ कर अपनी रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और आप इस ट्रिक को किसी और गाड़ी के साथ भी कर सकते हो, बाइक के साथ कर सकते हो, ब्लू कार, मैकलेरिन, मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन पे आप इस ट्रिक को कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैंने यहाँ पर मैकलेरिन कार भी लाई है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, मतलब मैं भी आया हूँ इसको नुरेक डैम में करने, बट आप इस ट्रिक को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता होगा सेंतोसा के पास भी ऐसा ही मतलब एक रिवर जैसा मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है गहरा, तो वहाँ पर भी आप इस ट्रिक को ईजिली यूज़ कर सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है नुरेक डैम के पास। यहाँ पे आपको इस कंटेनर के पास आना है, फिर आपको यहाँ पे सिंपली इस तरह से पहले ऊपर चले जाना है। और ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्लोअल सेट करना है। पहले आप ऊपर जाना, फिर ही यहाँ पे ग्लोअल सेट करना, मतलब नीचे से ग्लोअल सेट नहीं करना है, फिर आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे।
तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ग्लोवाल सेट करना है, फिर आपको जाना है इस तरीके से ऊपर, और ऊपर जाने के बाद आप इजली इस ग्लोवाल के ऊपर इस तरीके से चढ़ सकते हो। और ग्लोवाल पे चढ़ने के बाद आपको इस वाले हाउस के ऊपर इस तरीके से आ जाना है। और अगर आपको यहाँ पे कैंप वगैरह करना है, अपनी रैंक को पुश करना है, फिर आप यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में बैठना, और यहाँ पे आप अच्छे से हाइड हो जाओगे। यहाँ पे बैठकर आप अपनी रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और ये वाला हाइडिंग प्लेस उतना भी बढ़िया नहीं है, बट ये जोन के सेंटर में है, बहुत बार जोन में आता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। तो यहाँ पर आपको जो है सेंटर में बैठना है, फिर आपको यहाँ पे मैक्सिमम कवर मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम आप यहाँ पे हाइड हो जाओगे। बाकी यहाँ पर आप अच्छे से हाइड नहीं हो जाओगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको नज़दीक से तो एनिमी नहीं देख सकता, लेकिन दूर से आपको थोड़ा सा एनिमी देख सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान वगैरह का रखना है। और अगर एनिमी आता भी है तो आप यहाँ पे इजीली उसको किल कर सकते हो। चलते हैं 6 नंबर की ट्रिक की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है 10 सर्किट में। और यहाँ पर जो एक बंदा भी आ चुका था, चले पहले मैं इसको किल कर देते हैं। पता नहीं ये मुझे किल करेगा या मैं इसको किल करूँगा। मैं तो ठहरा बॉट, आपको पता होगा मैं बिल्कुल भी यहाँ पर किसी को किल वैसे कर नहीं पाता, तो इसको मैंने किल कर दिया, पता नहीं कैसे, शायद वीडियो के चक्कर में। हाँ, तो यहाँ पर आपको इस तरह से चढ़ना है इस क्रेन के ऊपर। इसको क्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं इसको कमेंट में बताना, मैं देखता हूँ किसको पता है इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सुको खोल के यहाँ पे जॉस्ट को पकड़ के रखना है, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंप करते रहना है, उसके बाद आप इसके ऊपर आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह से प्रोन करके बैठना है, फिर आप यहाँ पे अच्छे से हाइड हो जाओगे। और यहाँ पे आप इजीली अपनी रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और अगर नीचे से एनिमी आता भी है तो वो आपके यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, आप यहाँ पे अच्छे से हाइड हो जाओगे। और नीचे आपको कैसे उतरना है, जिससे आपको जीरो डैमेज पड़े, मतलब बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़े, उसके लिए आपको इस तरीके से स्कोप खोलना है। और स्कोप खोलने के बाद पहले तो क्राउच करना है, मतलब नीचे बैठना है, फिर यहाँ पे जॉस्ट को इस तरीके से धीरे धीरे नीचे की ओर खींचना है, और उसके बाद आप यहाँ पे जीरो डैमेज में नीचे आ जाओगे। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मुझे भी यहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा। चलते हैं ट्रिक नंबर 7 की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है सेंटोसा में। और सेंटोसा में आपको आना है जिप लाइन के पास, ये जो मार्स इलेक्ट्रिक की जिप लाइन होती है, यहीं पर आपको आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस कंटेनर पे पहले तो इस तरीके से ग्लोवाल सेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो ग्लोवाल आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से सेट करना है, ताकि आप ग्लोवाल पे फिर इजीली चढ़ पाओ, मतलब ग्लोवाल थोड़ा सा नीचे ही रखना। ज़्यादातर यहाँ पर जो है ग्लोवाल थोड़ा सा ऊपर लग जाता है, फिर आप उसके ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 2 ग्लोवाल सेट करने, फिर तीसरा ग्लोवाल इस वाले ग्लोवाल के ऊपर इस तरीके से सेट करना है। और ग्लोवाल सेट करने के बाद आपको इस साइड में आना है, फिर यहाँ पर टायर पर जंप करना है, फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आप इजीली यहाँ पे इस तरीके से ग्लोवाल के ऊपर चढ़ के यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कैंप वगैरह करना है, फिर आप इसी साइड में बैठना है, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोन करके बैठ रहा हूँ, यहीं पर आपको बैठना है, फिर आपको यहाँ पे किसी भी साइड से कोई भी नहीं देख पाएगा। आप इजीली यहाँ पर बैठकर अपनी रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और ये सारी की सारी ट्रिक सोलो में थी, जैसे कि आपने देख लिया, किसी भी ट्रिक में हमने टीममेट की हेल्प नहीं ली। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी ट्राई करूंगा उसको लाने का। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।